वेलकम एवरीबॉडी फॉर द सेशन ऑफ फेंग शुई। आज इस सेशन से आपको काफी चीजें पता चलेंगी जो हम लोगों को एक अलग तरीके से फेंग शुई को बताया गया और असली में फेंग शुई जो है वो कैसे काम करती है। ये जो कोर्स हमारा जो रहेगा इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी रेमेडीज खुद बना पाएंगे एलिमेंट्स के बेसिस पे। मैं ये नहीं कहती कि हमें सिर्फ चाइनीज जो रेमेडीज हैं उनके जो सिंबल्स हैं हमें वो यूज करने हैं। नहीं, हमारा शास्त्र बहुत बहुत बड़ा है और उसमें भी जिक्र मिलता है इन सिंबल्स का जो बाहर के लोग भी यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो यूज करना है और कैसे इसको समझना है उस हिसाब से हम लोग इसको कर पाते हैं। और उसमें जो बेहतर आपको जो यहाँ से इस कोर्स से जो आपको मिलेगा वो बेसिक टू एडवांस, मतलब इसके बाद आपको कुछ फेंशुई के सब्जेक्ट के बारे में जानने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी आपसे गारंटी, क्योंकि इसके अंदर हम खाली फेंशुई को कवर नहीं करेंगे। हम आपके घर का वास्तु जो जिसको हम कहते हैं कि लोग कंपस लेके निकलते हैं, आप यहाँ पे बुद्धा रख दें, आप यहाँ पे वाटर फाउंटेन रख दें, आप यहाँ पे बैम्बोज रख दें, ये फेंशुई नहीं है। जैसे हमारी कुंडली 12 घर हमारे लिए काम करते हैं, वैसे ही हमारा जो फेंशुए है वो हमारे लिए काम करता है। फेंशुए भी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी ब्रांचेस हैं। जैसे हमारी हिंदू एस्ट्रोलॉजी में आपको पराशरी मिलेगी, भृगु नंदिनी मिलेगी, केपी मिलेगी, ऐसे ही फेंशुए के अंदर भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। वो लोग भी चार्ट्स देखते हैं, वो लोग भी आपका टाइम ऑफ बर्थ देख के आपको बताते हैं। खाली ये कह देना कि आपका घर का जो नॉर्थ है वहां पे आप पानी लगा दें, फायर जो जोन है साउथ का आप वहां पे जी कैंडल लगा दें, ये सब फेंशुई नहीं है, ये गलत है। आपकी अपनी पर्सनल फेंशुई है, आपके घर की अपनी पर्सनल कुंडली है। फिर उसके बाद बाजी करके जो चार्ट आता है, 4 पिलर ऑफ डेस्टिनी, वो काम करती है। तो ये सारा जो सब्जेक्ट है इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। फ्लाइंग स्टार्स, जैसे हम लोग ट्रांजिट को देखते हैं वैसे वो लोग फ्लाइंग स्टार्स को देखते हैं। हर साल उनके भी फ्लाइंग स्टार्स मिले। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ड्यूक टाइसुई जो जुपिटर का जो ट्रांजिट रहता है वो लोग भी सैटर्न और जुपिटर के ट्रांजिट को नोट करते हैं। उनकी भी जो फेंशुई है ईयर की वो ट्रांजिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न चलती, ये कोई नहीं बताता, सिर्फ लोग उसका सामान बेचने के लिए बैठे हैं कि आप ये ले लो आप ये ले लो। सिंबल्स डिफरेंट एनिमल्स मतलब। और एक और बात कि जो हम चाइनीज कॉइन्स की बात करते हैं कि हर चीज में उनके 9 एम्परर कॉइन्स हैं, चाइनीज कॉइन्स हैं, क्योंकि वो उनकी करेंसी है। आप जिस भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें सुन रहे हैं या आप फेंगशुई को करना चाह रहे हैं या लर्न करना चाह रहे हैं, आपको वो सारी चीजें इस कोर्स से मिलेंगी कि जो आप खुद बना पाओगे और जो काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले के अकॉर्डिंग आप उसको दोगे, आपके साथ में कोई और वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको ये चीज पता होगी कि भाई इसके लिए क्या चीज काम करेगी। और आप रेमेडीज और क्योर्स खुद बनाओ, जो कि हम पूरा इस कोर्स में आपको बताएं। और एंड ऑफ द सेशन में आप सबके लिए एक स्पेशल रेमेडी मैं दूंगी जो इस साल के लिए आपको करनी है अपने घरों में, और वो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। विच विल ओपन, आपका पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा, आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी, नए नए पैसा आने के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि वो 2024 की रेमेडी है। तो क्या इस साल में है, क्या अगले साल में होगा, आप कैसे जानोगे? आप सिर्फ, हम लोग क्या करते हैं जिन जो फेंगशुई में इंटरेस्टेड है, एक यूट्यूब का चैनल देखा, एक कोई गूगल पे पढ़ लिया। हर इंसान की अपनी अपनी राय है, लेकिन जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है उसका, या जिन्होंने फील्ड में काम किया, जिन्होंने चार्ट्स किए हैं, जिन्होंने घर जा जा के लोगों को पढ़ा है कि भाई यहाँ पे, आप ये मुझे बताएं कि अगर इतना आसान होता कि भाई नॉर्थ में एक वाटर फीचर लगाने से तो हम सब अमीर होते ना, हम सब टाटा अंबानी होते, हम क्यों रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं? क्यों हमारे बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई में? कई बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, कई बच्चे स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हम लोग सब अलग हैं एक दूसरे से। हम अपनी अपनी
जो लक है उसको अपने साथ लेके आए, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम उसको एनहेंस कैसे करें। हमारा चार्जर किधर है, हम कौन सी दिशा में वो चार्जर कनेक्ट करें तो हमें वहां से पैसा मिलेगा। हम ये मानते हैं कि हमारा शरीर पांच तत्व से बना है, हिंदू भी यही मानते हैं, चाइनीज भी यही मानते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कोई भी ऑकल्ट साइंस उठा लो वो कहेंगे आपका शरीर पांच तत्वों से बना है। जब बेस हमारा पांच तत्व है, आयुर्वेद में भी ये कहा जाता है कि कौन सा तत्व हायर है कौन सा लोअर है उस हिसाब से वो आपको दवाइयां देते हैं, हम सफर भी उस हिसाब से करते हैं। बट लोग जो हैं वो खाली ये कह देते हैं नॉर्थ में ये लगा लो, साउथ में ये लगा लो, ईस्ट में ये लगा लो। नहीं, आपके शरीर में या आपकी लाइफ में कौन सा तत्व मिसिंग है, या आप जिस दिन पैदा हुए वो कौन सा तत्व आप कम लेकर आए हो उसको कैसे आप जानोगे, कैसे एनहेंस करना है, ये सारा जो सीक्रेट कोड है ये आपके फेंगशुई में जो फोर पिलर ऑफ डेस्टिनी है जिसको हम बाजी कहते हैं उसमें सब छुपा है। आप उसमें ये भी देख पाते हो, जैसे हम लोग इंडियन एस्ट्रोलॉजी में होरारी लगाते हैं या प्रश्न कुंडली लगाते हैं, सेम चीज वो लोग भी करते हैं। हम जितने ऑर्थोडॉक्स हैं या हम जितने सुपरस्टिशियस हैं, चाइनीज हमसे डबल हैं। हम इंडियंस अपने माँ बाप को या अपनी ज्वाइंट फैमिलीज को इतना संभाल नहीं पाए पिछले कुछ सालों में, हम सब अलग अलग रहना चाहते हैं, हम अपनी फैमिली से अलग होके फ्रेंड्स में जीते हैं, लेकिन चाइनीज आज भी अपनी रूट से जुड़े हुए हैं। वो जो है वो अपने उनके माँ बाप को देखो, उनके घर में देखो, वो आज भी ज्वाइंट फैमिलीज में है, उनको भी वही सब चीजें बताई गई जो हमें बताई गई, उनके भी वही रेमेडीज हैं, वही दादी माँ की कहानियां हैं उनके पास भी जो हमारे पास है, बट वो यूज कर रहे हैं हम भूल चुके हैं, या हम यूज नहीं करना चाहते, हम ये कहते हैं अरे ये तो पुरानी दकियानूसी बात है। और फेंशुई का एक चीज मैं और आपको फायदा बताती हूँ कि आप लोगों को फेंशुई में क्या चीज क्या फायदे हैं इसके जानने के। पहला, आपका जो माइंड है वो ब्रॉड होता है कि दुनिया में क्या क्या होता है, ऑकल्ट साइंसेस कहाँ कहाँ तक है, क्या उसके कहाँ तक वो फैली हुई है। दूसरा कि भाई आप जो हैं, हम वास्तु में हमें चीजों में बहुत सारी हर जगह डिगिंग करनी है या कुछ तोड़ना है या ये मरमा पॉइंट पे कोई चीज आ गई तो हम परेशान हो जाएंगे, हमें ये बता दिया जाता है और हम परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारा तो वो दिमाग का खेल है, लेकिन फेंगशुई में ऐसा नहीं है। फेंगशुई में हर चीज का क्योर है, वो आपको ये बता देंगे कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है, आप इसको ऐसे सॉर्ट आउट करें। तीसरी चीज कि भाई कभी कभी आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो अलग मजहब के होते हैं, जैसे मैं दुबई में बेस्ड हूँ, मेरे पास मिक्स कल्चर है, मेरे पास वर्ल्ड से हर कंट्री से लोग हैं, तो मैं उनको सिर्फ वास्तु या लाल किताब या केपी या उससे एडवाइस नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा एक मैं एक जगह मेरे को पता होता है कि भाई सामने वाला इस चीज को कैसे लेगा, तो मुझे ब्रॉड वे में जाना होता है, तो मुझे चीजें क्रिएट करनी होती है सामने वाले के लिए, ताकि उसको उसके रिलीजियंस से रिलेटेड कोई चीज मैं किसी को ना दूं, ना मैं उसमें अनबायस्ड कस्टमर के लिए, तो वो चीज आपको फेंगशुई सिखाती। बिकॉज जो रेमेडीज जो क्योर्स हम बनाएंगे, एक तो वो पर्सनल होंगे सामने वाले के, दूसरा आप उसको खुद क्रिएट करोगे, तीसरा वो मार्केट में उसको कहीं नहीं मिलेगा, तो आपकी जो अर्निंग्स हैं एक तो आपको उससे भी फायदा होगा, दूसरा आप सबसे अलग दिखोगे इस फील्ड में कि भाई आपको कुछ डिफरेंट आता है। अब फेंगशुई का एक और फायदा है कि आप अपनी एस्ट्रोलॉजी और अपने शास्त्र को भी अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि जब हम दूसरे साइंस को देखते हैं जो कि हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, हम जब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को भी पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जो हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि
प्राशरी, भृगु नंदी या भृगु प्राशर, जो भी हमारे पास किताबें हैं, उस आप जैसे या मेरे जैसे लोगों ने उसको इंटरप्रेट करके लिखा है वापस, हमें ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं मिली। तो कितनी सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं और हम करवाते हैं सामने वाले को, वो कहता है जी मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। वो रीजन बीइंग कि हमें जो सिखाया गया हमने वो सीखा और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। और अब तक की जो इतने साल की जो जर्नी रही है एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड की, उसमें हर इंसान जो भी जुड़ता है वो कुछ नया ऐड करता है और वहां से वो खिचड़ी पकती आ रही है। तो फेंगशुई को, इस कोर्स को जब आप करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें अपनी भी एस्ट्रोलॉजी की क्लियर हो जाएगी। इंडियन एस्ट्रोलॉजी मतलब आपको अपनी इस हिंदू एस्ट्रोलॉजी से इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि आप उसको सोचोगे कि भाई ये तो बिल्कुल सही था जो हमें बचपन से सिखाया जा रहा था। सामने वाला हमें उसको नाम चेंज करके, गिफ्ट रैप करके हमें दे रहा है और हम ले रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। अरे वाह, ये तो कोई नई चीज आई हमारे पास। नहीं, ये तो हमारी फैमिली में बचपन से होता आ रहा है लेकिन हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। हर ऑकल्ट साइंस एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई कोई डिफरेंट नहीं है, बट उसका पेश करने का नजरिया अलग है। उस तरीके को जब हम उस तरीकों तरीके को हम लोग लेते हैं तो हमें पता चलता है कि डिफरेंस कहाँ आता है, कहाँ पे चीजें चेंज होती हैं। जोनी अब बोल आप ये देखो कि समाज भाई के छेड़ हमारे हिंदू उसमें कि भाई हमें दान करने को दे कहा जाता है, हम दान करते हैं। अब आजकल तो मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि भाई इंडिया में अब तो गरीब लोग या स्वीपर्स और प्लेट आप दे, दान रोटी भी रखने नहीं का ना लेते, मतलब चाहिए, आजकल सब्जी दान लेने रोटी को भी उनको प्रॉब्लम होती है कि भाई हम क्यों लें। रोटी रखते हैं। तो अब वो चीज भी उनको भी समझ में आ रही है कि भाई ये अपने फायदे के लिए कुछ कर रहा है। तो फेंगशुई में आप क्रिएट करते हो, बैलेंस करते हो चीजों को, तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अब वास्तु में यहाँ पे ये नेल लगा दो, यहाँ पे ये पिरामिड लगा दो, आप अपने ही ऊर्जा को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। आई डोंट से कि इट्स नॉट अ साइंस, इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस एंड इट हैज अ डीप मीनिंग। जो वास्तु करते हैं, जिनको वास्तु से रिजल्ट्स आते हैं, मगर उसमें आपको तोड़फोड़ करनी पड़ती है और जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए काम करेगा। बट फेंशुए जो है वो तोड़फोड़ नहीं करती है। आपने एक चीज प्लेस करी, उसको देखो, आपने साल के जितने भी हमारे स्टार्स चेंज हो रहे हैं हम उसको पकड़ते हैं। मेरे को फेंगशुई क्यों पसंद है, मतलब मैं क्यों इसको यूज करती हूँ और मैं कहाँ इसको यूज करती हूँ। मैं इसको यूज करती हूँ जब मेरे सामने जो क्लाइंट बैठता है और वो थोड़ा सा जो है वो रिजिड होता है, उसको अगर मैं बोलूंगी कि भाई आप गाय को चारा डाल दें या आप ये कर दें, वो कहेगा इतना सारा काम, और दुबई में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये करना भी मुश्किल है, बाहर भी जो लोग रहते हैं वो उनके लिए भी करना मुश्किल है, प्लस इवन कि इंडिया के अंदर भी आजकल जो है काफी मुश्किल है चीजें करना। फिर उसके बाद फेंगशुई कहाँ काम करती है कि जब मैं उसको ये बोलती हूँ कि आप, और प्लस हम लोगों को एक ये भी पड़ गया है कि हमारे घर बहुत ज्यादा डेकोरेटिव होने शुरू हो गए, हम उसको डेकोरेटिवली रखना चाहते हैं कि भाई सामने वाला आए और वो कहे क्या आलीशान घर है इनका, ये कितना सुंदर वास, यहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट है, यहाँ पे वाटर फीचर है, यहाँ हाँ पे ये बॉन्जाइज है। तो ये सारी चीजों में जब हम इतना ध्यान देते हैं अपने कपड़ों पे, अपनी ग्रूमिंग ग्रूमिंग पे, नहीं तो उस हिसाब से फेंगशुई काम करती है कि भाई।